दिस सर्मन गॉड्स वे दैट्स बीन मेड फॉर अस वॉज डिलीवर्ड इन सेप्टेम्बर 1952 एट बर्नम टबर्निकल इन जेफरसनविले इंडियाना। ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियन बर्नम के द्वारा सितंबर 1952 में बर्नम टबर्निकल जेफरसनविले इंडियाना में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया और अंग्रेजी शीर्षक गॉड्स वे दैट्स बीन मेड फॉर अस है। अब एक साथ इसे थामे रहे, अब वास्तव में महान आइए अब अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा इस महान विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे पास आए हैं। पहली बात, सिवाय मसीह के हम तेरे पास नहीं आ सकते, इसलिए हम उसका नाम अपनी प्रार्थनाओं से पहले रखते हैं और तब हम जानते हैं कि उसके नाम के द्वारा जिसका कि आप उत्तर देंगे, क्योंकि हम उसके नाम में मांगते हैं। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, हम अपने में कुछ नहीं रखते जो कि हम कर सकते, परंतु केवल अनुग्रह के द्वारा हम आते हैं, मसीह के नाम में मांग रहे हैं। पिता, आज रात्रि बहुत से पुरुष और स्त्रियां इस भवन में और इसके आसपास हो सकते हैं जो पापी हैं। आप पापियों के लिए मर गए। होने पाए ये रात्रि हो कि परमेश्वर उनके हृदय से बोलेगा और उन्हें अपने अनुग्रह से राज्य में बुलाएगा। पिता, इसे प्रदान करें। संभव है उन्होंने बहुत सारे वर्ष नष्ट कर दिए हों पाप में घूमते हुए, परंतु होने पाए कि ये वो घड़ी हो। प्रभु, आज रात्रि बिली पॉल के लिए आपका धन्यवाद हो। मेरा बेचारा बिन माँ का लड़का लगभग अशांत, प्रभु आपका धन्यवाद हो उसे पवित्र आत्मा देने के लिए, जैसे कि अब निश्चित है किसी महिमा वाले दिन में हम माँ को फिर से देखेंगे। सारी चीजें ठीक है, अच्छी प्रकार से रहें। ओ परमेश्वर, स्वर्गदूत आज उसे ये बताए। वो अपनी मृत्यु पर बहुत चिल्लाई कि किसी दिन बिली परमेश्वर की सेवा करे,
पॉल एक पुरुष होगा और पवित्र आत्मा पाएगा, प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। परमेश्वर अब लड़के को आशीष दें, होने पाए कि ये स्वामी के पद चिन्हों का अनुकरण करे। कैसे उसकी छोटी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, पिताजी मैंने अभी अभी पवित्र आत्मा पाया है, मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर होने पाए कि ये प्रत्येक दोबारा जन्म ना पाए वालों को अनुभव मिले। लोग जो आज रात्रि यहाँ पर हैं, वे आज रात्रि पवित्र आत्मा पाएं। हमने कोई पाप किया हो, हमें क्षमा करें प्रभु, बीमारों को चंगा करें, टूटे हुए हृदयों को जोड़ दें। और अब प्रभु मैं अब ये भी नहीं जानता कि आज रात्रि बोलने के लिए कहाँ से आरंभ करूं, परंतु तू ही देगा। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मैं ये मांगता हूं कि आप हमें कुछ देंगे जो लोगों की सहायता करेगा, क्योंकि इसे हम उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। यशाया 35 में एक छोटे से पवित्र वचन को पढ़ने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वचन असफल हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा। इसलिए कोई भी सभा बिना वचन पढ़े पूरी नहीं होती। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वो कार्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, याव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा,
वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक की लंबी सांस लेना जाता रहेगा। इस पढ़े जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे, उसके वचन को पढ़े जाने पर। यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं आज रात्रि थोड़ी देर के लिए आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी घड़ी देखूंगा ताकि आज रात्रि आपको अधिक ना रोकूं। इस सप्ताह की सभाओं को पूरा होने के पश्चात लोगों को दिखाने का यत्न कर रहा हूँ, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक खराब बात जो शैतान आप पर डाल सकता है वो भय है। यदि आपको कैंसर भी है और नहीं डरे और परमेश्वर पर विश्वास किया तो आप चंगे हो जाएंगे, आप बहुत बुरी दशा में नहीं होंगे, परमेश्वर इसकी चिंता करेगा। यदि आप बीमार थे, ये जो भी है, यदि आप डरे नहीं हैं, इसलिए भय एक खराब बात जो शैतान व्यक्ति पर डालता है। अब इस सप्ताह मैंने पवित्र शास्त्र से ये सिद्ध करने का यत्न किया है कि मनुष्य जिसने नया जन्म पाया है परमेश्वर के राज्य में, उसके पास भय की कोई बात नहीं है। आप यीशु मसीह में बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो सब जो पिता ने मुझे दिया उसने कहा वो मेरे पास आएगा, कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक पिता ही ना बुलाए। पिता को ही उसकी अगुवाई मेरे तक करनी है, और वो जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा। और सब कोई मनुष्य उन्हें मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता, कोई भी मनुष्य उससे बड़ा नहीं है। वो जो मेरे वचनों को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, वो दोषी नहीं ठहरेगा परंतु जीवन से पार होकर मृत्यु से जीवन में आ गया। वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो होगा नहीं परंतु है वर्तमान काल अनंत जीवन, और मैं उसे अंतिम दिन उठा खड़ा करूंगा। जिसके लिए तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। आप वही हैं, छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद किए गए। न कि एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक,
परंतु तुम्हारे छुटकारे के दिन तक के लिए। ओ कैसे आज प्रातः पवित्र आत्मा ने आकर इस पर हमें आशीषित किया। हमें यहाँ 1:30 बजे तक रखा, आज प्रातः 9:30 बजे से कैसे उसने हमें आशीषित किया। अब आज रात्रि मैं बोलना चाहता हूँ, यशायाह ने यहाँ कहा एक राजमार्ग होगा और पवित्रता का मार्ग होगा। अब मैं परमेश्वर के मार्ग पर बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया। अब यदि मैं न्यूयॉर्क नगर को जा रहा था, मेरे लिए सबसे अच्छी बात कि मैं ये ढूंढने का यत्न करूं भौगोलिक रूप में कि मैं किस स्थिति में हूं और उत्तर की ओर जाऊं। परंतु सबसे अच्छा मार्ग कि नक्शा लूं और उसका अनुकरण करूं, क्या ये ठीक बात है? एक राजमार्ग यदि मेरे पास नहीं है तो मैं परेशानी में पड़ जाता हूँ। परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा मार्ग नहीं है। आप जानते हैं हम छोटा मार्ग बनाने का यत्न करते हैं, हम यहाँ किसी तालाब पर जाते हैं या कीचड़ में जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के अच्छे पुराने मार्ग से हट जाते हैं तो हम यही करते हैं, परमेश्वर मार्ग बनाता है, एक मार्ग। जब इसराइल के बालक मिस्र से बाहर निकलकर आए तो उन्होंने परमेश्वर के मार्ग का अनुकरण किया, वो लाल सागर तक गया। आश्चर्यजनक कि परमेश्वर अपने मार्ग को वहाँ ले जाता है, परंतु उसका मार्ग उस सागर में से होकर जाता है। इसलिए जब समय आता है और शक्ति परीक्षण का समय, और इसराइल वहाँ सागर के पास खड़ा हुआ, परमेश्वर का मार्ग सागर में से होकर जाता है। इसलिए परमेश्वर अग्नि स्तंभ से नीचे देखता है और समुद्र डर जाता है और पीछे हट जाता है, और इसराइल सूखी भूमि में से होकर पार हो जाता है। परमेश्वर का मार्ग वहाँ से होकर निकलता है। तब वो सीधा जंगल में माराह के सोते के पास पहुँचता है, कड़वाहट का पानी। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि परमेश्वर अपने बालकों को कड़वे पानी के पास से ले चलता है, परंतु वे सब मार्ग से होकर जाते हैं। परंतु जब वो वहाँ था तो कड़वे पानी का उपचार वही किनारे पर था। मूसा ने एक पेड़ काटा और उसे पानी में डाल दिया और फिर मीठा हो गया। कुछ पानी में से होते हुए, कुछ बाढ़ में से होते हुए, कुछ गहरी परीक्षाओं में से, परंतु सब लहू में से होते हुए। परमेश्वर अपने बालकों की ऐसी ही अगुवाई करता है, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग। यदि इसराइल के बालकों ने इससे बचने का यत्न किया होता और घूम कर जाते इस मार्ग से, तो वे परेशानी में पड़ जाते। उन्हें आग के बादल का अनुकरण करना ही था, आग का स्तंभ
जिसने उनकी अगुवाई की उन्होंने उसका अनुकरण किया। और यदि आज रात्रि कलीसिया केवल अग्नि स्तंभ का अनुकरण करे पवित्र आत्मा, तो आप निश्चय ही कनान बनाएंगे। परमेश्वर का एक मार्ग है, एक दिया गया मार्ग। एक मनुष्य दो मार्गों से जा सकता है, और वो उसका अपना मार्ग या परमेश्वर का मार्ग, और ये सही या गलत मार्ग है। और आपका मार्ग सदा गलत मार्ग है और परमेश्वर का मार्ग सही मार्ग है। और आप अपने ही तरीके से नहीं हो सकते और उसी समय में परमेश्वर के मार्ग में, इसलिए परमेश्वर का अपना मार्ग आप में हो सकता है। ये ठीक बात है। परमेश्वर एक निश्चित मार्ग बनाता है। मनुष्य सदा मार्ग को अपनी ही विधि से बनाना चाहता है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि उसे बिना मतलब बदलना ना पड़े। परमेश्वर ने उसे सिद्ध बनाया, परंतु मनुष्य अपना मार्ग चाहता था, वो हस्तक्षेप करना चाहता था, वो अपना पाना चाहता था। और तब जैसे ही वो गिरा, इस सप्ताह हमने इसमें होते हुए देखा, पवित्र वचन के अध्ययन में उसने स्वयं अपना एक धर्म बनाया। उसने परमेश्वर की प्रतीक्षा ना की कि उसके लिए बनाए, उसने स्वयं अपने लिए बनाया, परंतु उसने पाया कि उसका धर्म, उसका ओढ़ना काम नहीं करेगा। मनुष्य सदा से ऐसा ही रहा है, वो अपना मार्ग चाहता है, परंतु परमेश्वर का मार्ग है। इसलिए मनुष्य ने अंजीर के पत्तों से और उन्हें अपने ऊपर डाल लिया और अपनी पत्नी पर भी, परंतु जब वो परमेश्वर के सन्मुख आया, उसने पाया कि ये कार्य नहीं करेगा। और मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे पुरुष हुए और आज भी हैं जो अपने मार्ग के अंत में आ रहे हैं, वे पाएंगे कि वो हल्का धर्म जिसे आप थामे हुए काम नहीं करेगा। नया जन्म बिना पाए कोई काम नहीं चलेगा। यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कैसे भी नहीं, कोई मतलब नहीं, यदि वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन हो, और वो जो भी है, वो भीतर प्रवेश ना करेगा जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे। जन्म जिसका अर्थ वो बदल गया, जन्म ले सकने से पहले उसे मरना है। इसलिए आपको मरना है अपने आप से कि फिर से जन्मो मसीह यीशु में। ये ठीक बात है। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, उसने स्वयं को पाया कि अपने मार्ग को बनाने का यत्न कर रहा है। आज की प्रातः हमने देखा, केन ने अपना मार्ग बनाने का यत्न किया। वो कुछ सेब और नाशपाती और आड़ू और कद्दू और जो कुछ भी था वेदी पर रख दिया और कहा,
अब प्रभु यहाँ मैंने एक वेदी बनाई, मैंने एक कलीसिया बनाई, मैं कलीसिया का एक अच्छा सदस्य हूँ। देखा, मैं प्रतिदिन आराधनालय में जाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, वेदी बनाता हूँ, मैं इस पर बलिदान रखता हूँ, अब मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और अब प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ग्रहण करें, परंतु परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। और वही पुरानी आत्मा आज कलीसियाओं के मध्य में है, वही चीज उतने ही धार्मिक जितने की हो सकते हैं और परमेश्वर के विषय में नहीं जानते, जैसे कि अफ्रीका की जंगली जाति मिस्र के योद्धा के विषय में जानेंगे। आप जानते हैं कि ये सत्य है, धार्मिक आत्माएं। मत सोचिए कि स्टालिन मसीह विरोधी है। बाइबल ने कहा दो आत्माएं इतनी समीप होंगी कि प्रत्येक चुने हुए को धोखा दे दें, यदि संभव हो सके तो। हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती आया और जाकर आनंदित हुआ और सुसमाचार प्रचार किया, वापस आया आनंद करता और चिल्लाता हुआ और बाकी चेलों के साथ एक महान समय। संत मती दसवां अध्याय। परंतु उसने चेलों का अनुकरण किया, फिर भी अवतरित शैतान है और साथ साथ आया, जैसे यीशु अवतरित परमेश्वर था और केन और हाबिल अदन वाटिका से। परंतु जब उसका समय आया कि पेंतेकोस्त पर पहुंचे और आशीषित हो, उसने अपना रूप दिखा दिया। और जब आप फिर से जन्म लेने के विषय में बात करते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करना, 10 में से 9 वे आत्माएं अपना रूप दिखा देंगी कि वे कौन हैं। वे कहेंगे कि ये हठधर्मियों का झुंड है, इसे हटाओ। भाई, ये आज परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया मार्ग है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने सदा एक मार्ग दिया है। परमेश्वर बाध्य है कि मार्ग निकाले। परमेश्वर ने प्रकृति के लिए मार्ग दिया है। क्यों हमारे राष्ट्र में ये बड़ी बड़ी बाड़े हैं? सारी लकड़ियों आदि को काटना, उसे साफ करने दो। आप यहाँ एक बांध बनाते हैं और नदी के किनारे का भराव किया, यहाँ पानी आता है, आप प्रकृति में विघ्न उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर का दिया गया मार्ग है, यही कारण है कि बाढ़ आती है। कोई भी चीज जिसमें मनुष्य हस्तक्षेप करता है, जिसे परमेश्वर ने सिद्ध बनाया है, तब आप उसे सिद्धता से हटाते हैं, ये ठीक बात है। और जैसे कि उदाहरण के लिए एक बत्तख के समान, मैं बत्तखों को देखना पसंद करता हूँ ऋतुओं में, जब मैं पहाड़ों पर शिकार के लिए जाता हूँ। मैं वहाँ वर्ष के अंत में जाता हूँ, वहाँ लुसियाना से बत्तखें आती हैं और वहाँ दलदल में और वहाँ उत्तर की ओर जाकर बैठती हैं, घोंसले बनाकर अपने बच्चों को पालती हैं। तब छोटा पाला उठता है, लगभग सितंबर में आता है, वर्ष के इसी समय में या सितंबर के अंत में।
और तब छोटी पुरानी बत्तख, छोटी बत्तख वो जो कभी भी तालाब से बाहर नहीं निकली, वो ठीक वही तालाब में है। कुछ समय पश्चात वहाँ पहाड़ से कोहरा छट जाता है, एक थोड़ी सी बर्फ वहाँ पर है और ठंडी हवा उस पहाड़ पर आर पार बहती है, वो छोटी पुरानी बत्तख अनुभव करती है। अब वो कभी भी कहीं नहीं थी सिवाय उस तालाब के, और वो अभी एक वर्ष की आयु का भी नहीं है। वो अपना सिर हवा में ऊपर उठाता है और वो छोटा कैंके करने वाला वो तालाब के मध्य की ओर भागता है और कैंके करता है, और तालाब की प्रत्येक बत्तख उसके पास आती है। तालाब की प्रत्येक बत्तख जानती है कि वो अपने जन्म से ही अगुआ है, और वो छोटी बत्तख तालाब पर से उठेगी बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के या किसी चीज के साथ, और वो सीधी लुइजियाना जाती है उस धान के खेत में जैसे कि वो जा सकता है। मसीहों के समान दिखाई पड़ता है, एक बत्तख की इंद्री होनी चाहिए, जो भी है क्या नहीं, ये ठीक बात है, ठीक है। क्यों आप कहते हैं ये प्रतिभा है? नहीं, वे परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर जाते हैं। परमेश्वर उन्हें एक मार्ग देता है, एक सहज बोध की उन्हें वहाँ तक अगुवाई करके ले जाए, और वे इसका विश्वास करते हैं। परंतु परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है और वो उसको अस्वीकार करता है, उसका अपना मार्ग है, परंतु परमेश्वर के पास हमारे लिए एक पहले से तैयार किया हुआ मार्ग है। हालेलुया। इसके बाद मुझे आज रात्रि धार्मिक अनुभूति हो रही है, और वे कुछ बेदारी की रातें। ध्यान दे, ये यहाँ पर है। जी हाँ श्रीमान, ये छोटी बत्तख वहाँ नीचे जाएगी। और मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप यहाँ एक अखबार को देखेंगे कैसा है, कल बहुत शानदार मौसम रहेगा। और आप शिकार पर जाकर उन खरगोशों को घास में देखते हैं जो घास में बैठे हैं, क्या आप उन अखबारों में रुचि नहीं रखते? आप उस बड़ी सूरी को देखें, उत्तर दिशा से पहाड़ के भूसे को लेकर और उसे दक्षिण की ओर पहाड़ में ले जाती है, और एक अपना बिछौना बनाती है दक्षिण की ओर पहाड़ में। वो सारे संसार के अखबारों से जो टिप्पणी करते हैं अधिक जानती है। उसमें एक सहज बोध है, वो दक्षिण की ओर जाती है ताकि उत्तर की हवाओं से जो नीचे आती है उससे बच सके। ओ, यदि सूअर में ये सहज बुद्धि है कि वो हवाओं से बचे, तो फिर तुम पवित्र आत्मा वाले लोगों के विषय में क्या है? हालेलुया, ये आपकी सहज बुद्धि है। जी हाँ श्रीमान, और परमेश्वर ने उन्हें एक सहज बोध दिया है, ये परमेश्वर के द्वारा उनके लिए तैयार किया हुआ मार्ग है, वे परमेश्वर के द्वारा पहले से दिए गए मार्ग पर जीवित रहते हैं। आप एक फूल लेते हैं,
और वो मरकर मिट्टी में चला जाता है, ये उसका अंत नहीं है, वो फिर जीवित होता है। परमेश्वर का ये उसके लिए पहले से तैयार किया हुआ मार्ग है और वो इसमें विश्वास करता है। परमेश्वर सदा पहले से बनाया हुआ मार्ग रखा है। कभी कभी ये आनंद की चीजों में से होकर नहीं निकलता, ये कठिन मार्ग से होकर जाता है, परंतु ये परमेश्वर द्वारा पहले से दिया गया मार्ग है। जो भी है, परमेश्वर ने इन्हें पहले से बनाया है। एक बार उसके पास एक पुरुष था जो परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर था, उसे सिंहों की मांद में से होकर जाना था। परमेश्वर उसे फिर से वापस लाया। हालेलुया। मैं देख सकता हूँ कि एक प्रातः कुछ इब्री बालक वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मूर्ति दंडवत को मना कर दिया। ये ठीक बात है। उन्होंने कहा, हम ये नहीं करेंगे, अपने सारे संगीत को चाहो तो बजाओ, अपने सारे बाजे और तुरहिया बजाओ, परंतु हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया, हमें कुछ और शद्रक मिशक अभिनंदन दे दो। हाँ श्रीमान, जो आपके संसार में चीजों के सामने ना झुके। हमें इसके सामने ना झुकना पड़े, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जी हाँ श्रीमान। अब एक प्रातः मैं वहाँ नीचे देख सकता हूँ। आइए हम अपने कैमरे उधर की ओर एक मिनट के लिए घुमा लें और ध्यान दें। मैं वहाँ उन लड़कों को देख सकता हूँ। एक प्रातः उन्होंने कहा, अब देखिए, राजा ने कहा, प्रत्येक जो दंडवत नहीं करता उसे हम जलती हुई भट्टी में फेंकने जा रहे हैं। और उन्होंने जाकर पूरी एक रात्रि प्रार्थना की। अगले दिन जब आवाज आई कि उन्हें मूरत के आगे झुकना है, क्यों? उन्होंने उससे अपनी पीठ फेर ली। इसलिए वो पास आकर बोला, लड़को क्या तुमने ये किया? हाँ, अच्छा तो हम भट्टी को पहले से 7 गुना अधिक धटकाएंगे। अब क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि वहाँ एक बड़ा लोहे का तख्ता रखा हुआ था जो कि भट्टी के मुख तक जाता था? वो प्रातः समस्त बाबुल में लाल थी, आग भड़क रही थी। मैं नबूकदनेस्सर को आज के एक आधुनिक पुरुष के समान देख सकता हूँ। उसने वहाँ बैठे हुए कहा, अब हम इन लोगों में से सारा पवित्र आत्मा वाला धर्म जला देंगे। हाँ, क्या तुम नहीं सोचते कि शैतान तुम्हें नहीं जलाएगा? निश्चय ही वो जलाएगा। स्मरण रखें, पवित्र आत्मा स्वयं आग है। अब क्या देखना चाहते हो? परमेश्वर का मार्ग सीधा वहाँ भट्टी तक, उस बड़े ढक्कन तक ले जाता है। मैं देख सकता हूँ शदक मिश्रक अभिनदोग मृत्यु की कदम ताल से चल रहे हैं। मैं सुन सकता हूँ, शदरक कहता है, अभिनदोग क्या तुमने प्रार्थना की? हाँ, तो फिर ठीक है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम परमेश्वर के मार्ग पर हो? जी हाँ श्रीमान, और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हमें मूर्तों के आगे नहीं झुकना है, और हम ये नहीं करते। परमेश्वर हमें इस जलती हुई भट्टी से छुड़ाने के योग्य है, परंतु यदि वो नहीं छुड़ाता तो क्या
हम दंडवत नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के द्वारा पहले से ठहराए हुए मार्ग पर जा रहे हैं। मैं सुन सकता हूँ कि कोई कहता है, क्या तुम्हें पक्का है कि तुम परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पर चल रहे हो? हाँ, हालेलुया। कोई कहता है, अच्छा क्या आप नहीं सोचते कि वे सारे लोग सही हो सकते हैं बजाय तुम्हारे? नहीं श्रीमान, बाइबल ने ऐसा कहा है और हम इसके साथ स्थिर हैं। ठीक उस भट्टी के ढक्कन तक वे जाते हैं। मैं ताप इतना अधिक है, गर्मी की तपिश ने लगभग इसने उन लोगों को मार डाला जो उन्हें यहाँ तक लाए। वे भीतर जाने के लिए लगभग तैयार थे, परमेश्वर ने कोई वचन नहीं कहा, वे अब भी दिए गए मार्ग पर चल रहे हैं। सीधे भट्टी के मुख तक चलते हुए गए, ठीक उसी समय वे भीतर जाने के लिए तैयार थे उस धधकती भट्टी में। आप जानते हैं कि मेरे सामने एक भयानक काली तस्वीर अभी अभी आई। लोग जो परमेश्वर के सामने सच्चाई से जीवन व्यतीत करते हैं, वे परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर चलते हैं, जल जाना तय है, क्या ही चित्र है। ध्यान दें, हर समय वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है, वहाँ ऊपर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है उसी समय में। आइए हम थोड़ा वहाँ ऊपर देखें और देखें क्या हो रहा है। मैं उसे वहाँ खड़ा हुआ देख सकता हूँ और उसके शाही राजकुमार वाले वस्त्र उसके चारों ओर हैं। हालेलुया। मैं देख सकता हूँ पहली चीज जो दाहिनी ओर की ओर से आ रही है, वो एक बड़ा सरदूत जो मिकाएल कहलाता है। वहाँ एक उनके पास है, क्या ये आप जानते हैं? मैं सुन सकता हूँ कि वो उसके दाहिनी ओर भागा, बोला, स्वामी मैं उसे म्यान में से तलवार निकालते हुए देख सकता हूँ इस प्रकार से, और कहता है, क्या तूने इस प्रातः बाबुल में नीचे देखा? वे लोग हैं जो परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, लोग हैं जो अपनी गवाही पर इस प्रातः मोहर करने के इच्छुक हैं। हमारे भाई अब जलने वाले ही हैं। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, मुझे नीचे जाने दो, मैं दृश्य को बदल दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वो ये कर सकता था, मैं करता हूँ। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, नहीं जिब्राइल, मैं तुझे ये नहीं करने दे सकता, तुम एक रहे हो, यानी मिकाएल तुम बहुत अच्छे स्वर्दूत रहे हो, जाओ अपनी तलवार वापस रखो और सावधान खड़े रहो। यहाँ दूसरा स्वर्दूत आता है, वो वॉर्मवुड कहलाता है, पानी को कड़वा करता है। वहाँ वो आकर कहता है, स्वामी वहाँ नीचे देखो, मेरे पास सारे पानियों का अधिकार है। आप ये मुझे वो नू वाले समय के विनाश को सौंप दें और मैं सारा संसार साफ कर दूंगा, सारे सिवाय नू और उसके लोग। अब उसने कहा, मुझे वहाँ नीचे जाने दो, मैं बाबुल को नक्शे से साफ कर दूंगा। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, वुडवॉर्म तुम ये कर सकते हो, ये ठीक बात है, परंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, ये पूरे मनुष्य की जिम्मेदारी है। मैं उसे इस प्रकार खड़ा हुआ देख सकता हूँ, वे अपना अंतिम कदम उठाने वाले थे।
show that they come in. So a big thunderhead hanging back there. Hold on. मैं उसे देख सकता हूँ कि वो वहाँ पहुँच कर और कहता है, यहाँ आओ। और उस बड़े गर्जनाध्यक्ष से जो वहाँ सामने था कहता है, ओ, उसने उसकी मानी। मैं उसे देख सकता हूँ कहते हुए सुनता हूँ, पूर्व की हवा और उत्तर और पश्चिम और दक्षिण, यहाँ आओ और इस गर्जन के शीश को ले चलो। मैं तुम्हें घोड़ों के समान चलाऊंगा। मैं इस गर्जन और शीश पर बैठने जा रहा हूँ आज प्रातः, जैसे कि रथ मैं स्वयं नीचे बाबुल जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं उसे पहुँचते हुए देख सकता हूँ और उस इधर उधर चमकने वाली बिजली को थामे हुए और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक इस प्रकार देख सकता हूँ, जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम कदम उठाया परमेश्वर के दिए हुए मार्ग में बढ़ते हुए। और उस समय के लगभग जब वे वहाँ पहुँचते हैं, वो जीवन के सागर से होते हुए और वो खजूर को लिया और वहाँ नीचे खड़ा हुआ, उनकी ओर हवा को बहा रहा है। हालेलुया। वो सदा वहाँ होगा जब मनुष्य परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलेगा। जी हाँ श्रीमान। वहाँ एक बार एक बूढ़ा नीम हकीम प्रचारक था, एक पुराना होलीनेस प्रचारक, वहाँ पहले बहुत समय पहले नू नाम का। उसने कहा, आप जानते हैं कि वर्षा होने वाली है, एक तूफान आने वाला है। मैं लोगों को आसपास कहते हुए सुन सकता हूँ, कहते हैं, क्या तुमने उस पवित्र शोर मचाने वाले को सुना वहाँ पर? उसने कहा कि वर्षा होने वाली है, क्यों, पृथ्वी पर कभी वर्षा नहीं हुई। और ये वर्षा होने जा रही है, कैसे, वो पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, जाकर विज्ञान को लेकर पता लगाते हैं यदि वहाँ ऊपर पानी है। क्यों, वहाँ ऊपर कोई पानी नहीं है, क्या बात है? वो बूढ़ा प्रचारक सनक गया है। परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है। परमेश्वर ने कहा, एक नाव तैयार कर नूह, अपने घराने को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। और नूह के पास ये करने की समझ थी और उसने आकर नाव तैयार की। और एक दिन मैंने वहाँ कोने में कुछ लोगों को कहते सुना, वहाँ व्यापारी कोने पर। उनमें से कुछ कहते हैं, हे, अरे वो वर्षा वाली कहानी क्या है? वो बूढ़ा नीम हकीम प्रचारक वर्षा आने के विषय में वहाँ बात कर रहा है, क्या तुमने कभी कोई ऐसी बात सुनी? और वो सोचता है कि वो परमेश्वर के दिए हुए मार्ग में है, वो था। आमीन। पहली बात, आप जानते हैं, वहाँ गर्जन और बिजलियाँ चमक रही हैं। मैं वहाँ एक बड़ी बूढ़ी ऊँटनी को देख सकता हूँ और कहती है, पापा ऊँट, क्या आप सुनते हैं कि वो क्या था? वो गर्जन थी, यही वो है जो नू ने कहा, चलो नाव में चलें। वहाँ पहाड़ के पार वे गए और वहाँ पापा घोड़ा, माँ घोड़ी और सारे जोड़े सीधे नाव के अंदर, एक एक करके परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। वर्षा भेजी, नू परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर है। Hallelujah.
कुछ उनमें से लट्ठे पर आ गए, कहा मैं इससे तैर जाऊंगा, परंतु मैं आपको बताऊंगा जब तूफान बढ़ना लगेगा, नाव ऊपर चढ़ गई। हालेलुया। क्यों? वे परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर थे। परमेश्वर सदा लोगों को आशीषित करेगा जो उसके दिए गए मार्ग पर चलते हैं। उसने लट्ठा कभी नहीं दिया था, उसने ये कभी नहीं दिया, उसने एक नाव दी। और आज मेरे भाई और बहन, पुरुषों और महिलाओं के लिए एक मार्ग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, जो वहां कैलवरी पे मरा और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर की स्वीकृति है कि उसने हमें अपने पुत्र में यीशु मसीह में स्वीकार किया है, बचाते हुए सुरक्षित। हालेलुया। जो भी है, मुझ पवित्र शोर मचाने वाला ये कहने जा रहा है, इसलिए आप भी अभी आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अच्छा अनुभव होता है। ठीक है, क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? ये परमेश्वर का मार्ग है और केवल एक ही मार्ग है। ये मेथोडिस्ट का मार्ग नहीं, ये बैप्टिस्ट का मार्ग नहीं, न ही प्रेस्बिटेरियन का, न ही पेंटिकोस्टल का, ये मसीह का मार्ग है। मसीह परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है, वो परमेश्वर द्वारा दिया गया बलिदान है। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा येरे है, वो यहोवा मनसे है। जब अब्राहम ने इजाक को चढ़ाया, उसने उस स्थान को यहोवा येरे कहा, प्रभु स्वयं बलिदान देगा। और ये यहाँ पर है, परमेश्वर का पुत्र। आमीन। परमेश्वर सदा बच निकलने का मार्ग बनाता है। जी हाँ श्रीमान। एक बार वहाँ एक बूढ़ा प्रचारक प्रचार कर रहा था जिसका नाम एलिशा था। वो वहाँ पहुँचा और राष्ट्र को देखा और उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने कभी देखा, बहुत ही भयानक था। एक पुराने राजा ने जाकर उस छोटी रंगी हुई जिजाबेल से विवाह कर लिया, उसके चेहरे पर काफी रंग था कि बने। बाइबल में केवल एक ही स्त्री थी जिसने कभी अपना मुख रंगा। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, परमेश्वर ने उसे कुत्तों को खिला दिया। मैं केवल ऐसे ही जानता हूँ। आप एक महिला को उसके मुंह पर बहुत सारे रंग के साथ देखते हैं, आप जानते हैं कि आप उसे क्या कह सकते हैं, कहिए कुमारी, कुत्ते के भोजन। वो यही है, कुत्ते के भोजन के समान। ओह सुनिए भाई, मैं अभी अभी अफ्रीका से वापस आया हूँ। ये चीज मूर्ति पूजकों से आई है, मूर्ति पूजक स्वयं को रंगते हैं। ओ भाई, जब कोई पुरुष या महिला स्वयं को परमेश्वर के साथ सही बनाता है, आपको उन्हें बताना नहीं है कि स्वयं पर लज्जित हुए हैं। हालेलुया, ये ठीक बात है।
लड़के पहली बात जो तुम जानते हो वो सारे इजरायलियों से ये करवा लेगी। एलिया ने कहा प्रभु ने आकाश बंद कर किया, इसके विषय में कुछ करो। परमेश्वर बोला, कहा अब एलिया तुझे बताता हूँ कि क्या करना है, जाकर और आहाब से बात कर। और यहाँ पुराना प्रचारक आता है वहाँ से चलता हुआ, इस प्रकार से बड़ा सा भेड़ की खाल का बड़ा टुकड़ा लपेटे हुए है, चेहरे दाढ़ी से खुरदुरा है जैसे कि बालों वाला कीड़ा, राजा के सामने गया और कहा यहाँ तक कि ओस भी ना पुकारेगी यानी कि गिरेगी जब तक मैं उसे ना बुलाऊं। हालेलुया, वो परमेश्वर के दिए गए मार्ग में था। जी हाँ श्रीमान। ओ तू कट्टरपंथी, यहाँ से दूर हो जा। ठीक है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। बूढ़े एलिया ने कहा प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, आपने बाकी मार्ग पहले से दिया है, मैंने ये कर दिया है। कहा क्रेत के सोते के पास पहुंच जा और बैठ जा। ठीक है, एक बहुत खराब स्थान, परंतु मैं जाकर बैठ जाऊंगा। तूने कहा है कि वहाँ जा, यदि तेरा मार्ग वहाँ जाता है तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। जा और बैठ जा। कहा प्रभु अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, वही बैठ, थोड़ा वहाँ ठहर। और पहली बात जो आप जानते हैं उसे भूख लगने लगी, उसने कहा प्रभु मुझे भूख लग रही है, और एक कौवा वहाँ आया। उनमें से कुछ ने कहा उस पवित्र शोर मचाने वाले प्रचारक को देखो, वहाँ पहाड़ पर बैठा हुआ है, क्यों वो पागल नहीं है? अरे वो वहाँ धूप में बैठा है, मर जाएगा, वो कट्टरपंथी है। और पहली बात आप जानते हैं कि सारा पानी सूख चुका, पीने के लिए कोई पानी नहीं है उस देश में। परंतु हर बार एलिया पानी पीना चाहा, वो क्रेत के नाले में झुका और पिया। तब जब उसे भूख लगी तो कौवा अपने मुंह में टुकड़ा रोटी लेकर आया, कहा एलिया तू यहाँ है? आप कहते हैं कौवे को कहाँ से मिला? आपका अर्थ है भाई बहनम आप विश्वास करते हैं? जी हाँ श्रीमान, जी हाँ। आपका अर्थ है कि कौवा एलिया के लिए 3.5 वर्षों तक कुछ खाने के लिए लाता रहा? मैं इसका विश्वास करता हूँ। कहते हैं उसे ये कहाँ से मिला? मैं नहीं जानता। केवल मैं एक बात जानता हूँ कि कौवे को कहीं से मिला, वो एलिया के पास लाया और एलिया उसे खाकर जीवित रहा 3.5 वर्षों तक। ये ठीक बात है, मैं इसका विश्वास करता हूँ। ये वही बात है उस विषय में आप कहते हैं जो कि आपको आनंदित करता है, यही है जो आपके हाथों को हिलाता है। मुझे नहीं मालूम, मैं केवल एक बात जानता हूँ कि कैलवरी ने इसका भुगतान कर दिया है, बाइबल ने सिखाया कि पवित्र आत्मा इसे लाया, मैंने इसे पाया। हालेलुया, हालेलुया।
मैं ये भी नहीं जानता कि ये कहाँ से आया, परंतु मैंने इसे पाया। हालेलुया, ये ठीक बात है। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कहाँ से आया, परंतु ये वहाँ पहुँचा। ओ प्रभु, यही आपके मामले को ठीक प्रकार से बैठाता है, निश्चय ही। हालेलुया। उत्तेजित ना हो, इसका अर्थ है परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। ओ प्रभु, निश्चय ही मैं नहीं जानता, ये बात है। और उन्होंने कहा वो पागल था, वहाँ बैठा हुआ है। ओ आओ, समय आया कि खाएं। ये काले रंग का कुली आया, कहा एलिया तू यहाँ है, तुम्हारा नाश्ता ये रहा। क्यों, आज रात्रि वो आधे से अधिक लोगों से अच्छा है। मैं यहाँ कल्पना करता हूँ, आज रात्रि यहाँ पर बहुत से हैं जिनके पास काले सेवक हैं, कुछ कौए जिनके लिए खाने को हर खाने के समय कुछ खाने को लाते हैं। हालेलुया, महिमा हो। परमेश्वर का कहीं खाने का स्थान था, उसने ये तय कर दिया, इसे पकाया, उसके पास भेजा। हालेलुया, वही परमेश्वर आज जीवित और राज्य करता है। वो अपने दिए गए मार्ग पर स्थिर रहा। परमेश्वर ने कहा वहाँ जा और बैठ जा, उसने वही किया, वो केवल यही करना जानता था। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? विश्वास कीजिए कि ये सत्य है, ये है। आमीन, जी हाँ। एक दिन एक छोटी लड़की सड़क पर जा रही थी और उसने कहा, अंततः एक ने कहा ओ हालेलुया हालेलुया, उसे तभी पवित्र आत्मा मिला था। इस प्रकार से वो बूढ़ा विधर्मी कोने में बैठा था, कहा आप क्यों इतने आनंदित हैं युवा से, कहा यीशु ने मुझे हाल ही में बचाया है, मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, कहा मैं बहुत ही आनंदित हूँ। कहा देखो तुम्हारे हाथ में क्या है, कहा मेरी बाइबल, कहा क्या तुम इस पर विश्वास करते हो, निश्चय ही। कहा क्या तुम इस सब पर विश्वास करते हो, इस सारे पर, क्या तुम योना की कहानी पर विश्वास करते हो, हाँ, कहा क्या तुम विश्वास करते हो कि वेल ने मनुष्य को निगल लिया, हाँ श्रीमान मैं इसका विश्वास करता हूँ। कहा तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे सिवाय विश्वास के, उसने कहा जब मैं स्वर्ग को जाऊंगा तो भाई योना से पूछूंगा। विधर्मी ने उससे कहा क्या होगा यदि योना स्वर्ग में नहीं हुआ, कहा तो तब आपको उससे पूछना पड़ेगा। हालेलुया, उसके लिए केवल एक स्थान बचा है, वो नरक। यदि आप परमेश्वर के मार्ग को अस्वीकार करते हैं, आपको नरक में जाना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, वही वो दूसरा मार्ग है, इसलिए आप इस मार्ग में हैं या फिर दूसरे में। आमीन, ठीक है। मैं उसे वहाँ बैठा हुआ देख सकता हूँ और कौए उसके खाने के लिए कुछ लाते हैं।
go down there to a widow's house. वापस वही जाते हैं. वो एक दिन पहाड़ के नीचे गया और परमेश्वर ने कहा, अब सोता सूख गया, मैं चाहता हूँ कि तू विधवा के घर जा. एक प्रचारक के जाने के लिए क्या ही स्थान है. परमेश्वर ने उसे जाने को कहा, वही दिया गया मार्ग है. वो वहाँ पर गया और वो ना तो इजरायली थी, नहीं वो नहीं थी. और वो वहाँ वापस गई और पहाड़ से नीचे गया, और जैसे ही वो पहाड़ से नीचे गया वो वहाँ मैदान में खड़ी हुई विधवा से मिला, अपनी लकड़ियों को तोड़कर जमा कर रही थी. कहा, जा और मेरे खाने के लिए कुछ ला और मेरे पीने के लिए पानी ला. उसने कहा, जैसे कि जीवित प्रभु और तेरा प्राण कभी ना छूटेगा, मेरे पास घर में इतना ही आटा है कि मैं अपने लड़के के लिए रोटी बनाऊं. मैं दो लकड़ियां ले जा रही हूं ताकि रोटी को बनाऊं और वो और मैं खाएं और मर जाएं. कहा, जाकर पहले मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ और रोटी पका और उसे मेरे पास ले आ. हालेलुया. वो क्या करने जा रही है. परमेश्वर का एक दिया गया मार्ग है. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की. आप कहते हैं, भाई बिल, मेरी माँ घर से भाग गई है, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहेगा. पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो. हालेलुया. सारी दूसरी चीजें मिल जाएंगी. ये ठीक बात है. भाई बिल, मैं कैसे करूँगा, केवल आगे बढ़ें और इसे करें. यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ. ये ठीक बात है. अपनी दृष्टि एक निशाने पर रखो. ठीक है. और पहली बात आप जानते हैं, वो भीतर जाती है और वो ये दो लकड़ियां लेकर इन्हें तोड़ती है. आप जानते हैं कि कैसे वे पुराने इंडियंस की लकड़ी तोड़ने की विधि है. वो एक क्रूस थी. ये ठीक है. और उसे वे एक के ऊपर एक लकड़ी रखकर बीच में आग जलाते हैं. वही आग जलती है, वो रोटी बनाने की भट्टी. उस सिकी रोटी को बाहर निकाल कर इसे प्रचारक को दें. और उसने वहाँ खड़े होकर उसे खाया. कहा, अब वापस जा और एक अपने लिए और अपने पुत्र के लिए. क्योंकि यहोवा यूं कहता है, बर्तन खाली ना होगा या कुप्पी सूखेगी जब तक परमेश्वर पृथ्वी पर वर्षा को ना भेजे. हालेलुया. क्या, क्योंकि उसने पहले परमेश्वर के राज्य की खोज की, क्योंकि वो पहले परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर चली, परमेश्वर ने उसे पुरस्कृत किया. क्या आप इसका विश्वास नहीं करते. हाँ श्रीमान. एक महिला थी जिसने एक बार अपना भाई खो दिया. उसका नाम लाजर था. ओ, वो अच्छा लड़का था. वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और वो मर गया. उसने अपने पास्टर को बुलवाया, यीशु समाचार फैलाने वाले को, जो कि यीशु था. वो कलीसिया से बाहर निकल कर आई थी और जो उसके पास था उसने सब दे दिया. Jesus, well. again, said,
और उसने यीशु को बुलवाया कि आकर प्रार्थना करे, और वो बस चलता रहा। फिर भेजा, उसने चिंता ना की, उसने कहा जब तक मुझे पिता ही ना दिखाए मैं कुछ नहीं करता। पिता ने उसे पहले ही दिखा दिया कि लाजर मरने वाला था। और वो कुछ समय पश्चात आया, लगभग 3 या 4 दिन के पश्चात उसने कहा लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। इसलिए तब उसने सुना कि यीशु आ रहा था, इसलिए वो उससे मिलने को बाहर गई। ये परमेश्वर द्वारा दिखाया गया मार्ग है, जाकर यीशु से मिलो, ये ठीक बात है हमेशा। जब आपके घर में दुख हो तो जाकर यीशु से मिलो, घर में बीमारी है जाकर यीशु से मिलो, आपके घर में हृदय रोग है जाकर यीशु से मिलो। हालेलुया। यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो जाकर यीशु से मिलें। जाकर उससे मिलें, उसके पास सारे उपाय हैं, वहाँ सब है, उसके पास उपाय नहीं, उसके पास चंगाई है। आमीन। फिर वो उससे मिलने गई और वो उसके चरणों पर गिर पड़ी। और उसने एक बार एक कहानी पढ़ी थी बाइबल में, जहाँ एक स्त्री थी और एक सुनेमिन, वो एलीशा नाम प्रचारक के विषय में बहुत गंभीर थी। इसलिए उसने अपने घर की एक और उसके लिए कोठरी बनाई, एक पलंग और एक चिराग और एक स्टूल आदि आदि रख दिया। और एलीशा आया और उसने ये सब भलाई देखी जो उसने प्रचारक के लिए की थी, अपने दशमांश दिए और सब कुछ आप जानते हैं। इसलिए उसने कहा जाकर पूछ कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यदि मैं राजा से बात करूं या सेनापति से। उसने कहा मैं अपने लोगों के साथ रहती हूं और सब कुछ ठीक है। कहा ठीक है, जाकर पूछ मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। गेहजी ने कहा वो बांझ है, उसके पास कोई बालक नहीं है। कहा जाकर उसे बता, यहोवा यूं कहता है वर्ष के लगभग इसी समय में जीवन के अनुसार कि वो एक पुत्र प्राप्त करेगी, और उसने किया। बालक लगभग 11 या 12 वर्ष का हो गया। एक दिन दोपहर के समय वो अपने पिता के साथ खेत में था। मैं विश्वास करता हूँ कि उसको लू लगी, वो चिल्लाने लगा मेरा सिर मेरा सिर। उसने उस बालक को एक सेवक के संग भेजा, छोटे लड़के के संग, उसे उसकी माँ की गोद में लिटाया, दोपहर में वो मर गया। कितना उपयुक्त स्थान, उसने उसे लेकर और प्रचारक के पलंग पर लिटा दिया जहाँ भविष्य रखता लेटा था। जाने के लिए अच्छा स्थान, वही प्रचारक के पलंग पर लिटा दिया। उसने कहा मुझे एक खच्चर तैयार करके दो और आगे चलो, और अपनी सवारी को मत रोकना जब तक कि मैं ना कहूँ कि तू रुक। मैं ये पसंद करता हूँ, आगे बढ़ो और रुको मत, बस बढ़ते जाओ, ये ठीक बात है। परेशानी ये है कि हम रुककर बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, हम बहुत से सामाजिक सभाओं के लिए रुकते हैं, हमारे पास बहुत सिलाई है और कुमारी अमुक अमुक की बातें आप जानते हैं कि ये कैसे कैसे है।
because we like to throw our gutty wash out and have an old-fashioned pop and revival. ये सारी विभिन्न बातें कलीसिया में आती हैं, जबकि आपको ये सारी बातें नाली में फेंक देनी चाहिए और पुराने तरीके का परमेश्वर द्वारा भेजी गई बेदारी होनी चाहिए। प्रार्थना करते रहो जब तक आप वापस ना आ जाओ। स्वर्ग नीचा है और पवित्र आत्मा जोरदार आंधी के शब्द के साथ आता है और स्थान और लोगों को भर देता है। आमीन। आज हमें इसी की आवश्यकता है। उसने कहा तू रुकना मत। और उसके पति ने कहा वो व्यक्ति कार्मेल पर नहीं है। कहा ये ना तो नया चांद या सबत है। उसने कहा सब ठीक है। वो भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो सीधी सीधी चली। एलीशा ने बाहर देखकर कहा देखो शूनेमिन आ रही है, उसके साथ कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं जानता कि क्या बात है। वो दौड़ी और उसने कहा क्या तेरे साथ सब कुशल है और तेरा पति तेरा बालक? उसने कहा सब कुशल है। मुझे ये अच्छा लगता है, उसने परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग ले लिया। कहा अब सब ठीक हो गया और तब उसने प्रकट करना आरंभ किया। उसने एलिया को बताया, कहा जा मेरी छड़ी लेकर रख, या गहजी को बता कि जा मेरी छड़ी ले जाकर और उस बालक पर रख दे। परंतु उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए भविष्यद्वक्ता ने घूमकर प्रार्थना की, कमरे में इधर उधर चलने लगा, अपने शरीर को उस मरे हुए बालक पर डाल दिया और वो जीवित हो गया। उस महिला मार्था ने जान लिया कि शूनेमिन ने अनुभव किया कि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के अंदर था। और यदि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता में था तो निश्चय ही परमेश्वर अपने पुत्र में था। इसलिए यदि वो यीशु के पास आ सकती थी तो उसके पास उपाय होगा। वो दौड़ी और उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा प्रभु यदि वो यही था, प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, परंतु अब भी तू जो भी परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसे करेगा। ओ मुझे ये अच्छा लगता है, अब भी जो तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर उसे करेगा। आज रात्रि ये अच्छा है। आप कहते हैं भाई ब्रणम मैं पापी हूँ, तब भी आप जो भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर उसे करेगा। मुझे एक पापी पर दया करें और वो करेगा। यदि आप रोगी हैं प्रभु मुझ पर दया करें, और वो अब भी करेगा। आप कहते हैं डॉक्टर ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु फिर भी प्रभु मैं 5 वर्षों से नहीं चला, परंतु अब भी प्रभु मैंने कुछ नहीं सुना क्योंकि मैं नहीं जानता, प्रभु अब भी मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, मैं आपको नहीं बता सकता कब, परंतु अब भी प्रभु। जो भी तू परमेश्वर से मांगेगा और वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है आपको स्वीकार कर लेने पर बिचवाई करता है। हालेलुया। कहा अब भी तू जो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर करेगा। उसने अपने छोटेपन को सीधा किया, कहा तेरा भाई फिर जीवित हो जाएगा।
death, Lord, and the general resurrection of the last day of your lives again. कहा ओ हाँ प्रभु अंतिम दिन उस साधारण पुनरुत्थान में वो फिर जी उठेगा. उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ ओ प्रभु. बाइबल ने कहा देखने के लिए उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, छोटा दुबला दिखने वाला व्यक्ति. परंतु उसने कहा जब उसने स्वयं को सीधा किया तो वहाँ परमेश्वर था. उसने कहा अब तेरा भाई फिर जी उठेगा. कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ परमेश्वर ने कहा. वो जो मुझ में विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा. जो कोई जीवित रहकर और मुझ में विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा. क्या तू इसका विश्वास करती है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जिसे इस जगत में आना था. कहा तुमने उसे कहाँ रखा? यहाँ वो कब्र की ओर चलना आरंभ करता है. यीशु रोया. अधिक समय नहीं हुआ एक महिला ने मुझे बताया, एक सभ्य महिला, एक क्रिश्चियन साइंस, जो ये विश्वास नहीं करते कि यीशु और देवत्व. उसने विश्वास किया कि वो भविष्यद्वक्ता था, उसने विश्वास किया कि वो एक भला मनुष्य था, परंतु वो नहीं था. वो कुंवारी से जन्मा हुआ नहीं था. वे कुंवारी के जन्म का इनकार करते हैं. केवल इतना ही नहीं, परंतु संयुक्त राज्य में एक सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि 85% प्रोटेस्टेंट प्रचारक दावा करते हैं कि कुंवारी से जन्म की बात झूठी थी. ठीक, मैं सरलता से ये कर सकता हूँ. मैं सरलता से सोच सकता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग जीवन जी रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है. ये विश्वास किया कि ये एक झूठ था. और इससे अधिक प्रतिशत उनका था जिन्होंने ये विश्वास किया कि यीशु प्रकट रूप में फिर वापस नहीं आएगा. कोई आश्चर्य नहीं कि हमें बेदारी की आवश्यकता है. भाई इधर सुनिए, आप बेदारी के विषय में आज बहुत सुनते हैं. हमारे यहाँ कभी बेदारी नहीं हुई. मैं यहाँ अधिक समय नहीं हुआ दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे रहा जो इस विषय में बहुत सी बातें करते हैं. वो एक नगर में गया, उसके 5,000 मत परिवर्तन हुए. हम उसके पीछे पीछे गए, मैं नहीं, सेवकों का एक दल, और कार्ड लिए और उनके पास फिर से संबंध स्थापित किया. और 30 दिन के समय में वे 30 भी ना पा सके जिन्होंने बच जाने का दावा किया था. आप जानते हैं मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा ये तो बजाय मत परिवर्तन के दोषी ठहराना है जब एक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म प्राप्त करता है. आज हमें लंबी खींचने वाली सभाएं नहीं चाहिए, परंतु पुराने रिवाज वाली परमेश्वर द्वारा भेजी गई पवित्र आत्मा की बेदारी. एक पुराने समय का नीला आकाश, पाप मारने वाला लहू से धुला हुआ धर्म. आमीन. पुराने वाले औजार लेकर वापस और प्राशित करें, ये ठीक बात है. said, well, here, brother,
उसने कहा, तब उसने कहा, भाई ब्रैनम सुनिए, मैं ये आपको सिद्ध कर सकती हूँ कि वो कुछ नहीं केवल एक मनुष्य था। मैंने कहा करिए, यदि आप मुझे ये सिद्ध कर सकती हैं कि वो परमेश्वर नहीं था तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। उसने कहा नहीं, वो दिव्य नहीं था, वो केवल एक मनुष्य था और मैं ये बाइबल से सिद्ध कर सकती हूँ कि वो केवल एक मनुष्य था। मैंने कहा यदि आप इसे बाइबल से सिद्ध कर देंगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। उसने कहा कि आप तैयार हैं? मैंने कहा मैं हूँ। उसने कहा जब यूहन्ना 11 में वो गया, जब वो लाजर की कब्र पे गया, वो रोया। मैंने कहा इसका इससे क्या मतलब? उसने कहा क्यों, इससे सिद्ध होता है कि वो कुछ नहीं केवल एक मनुष्य था, वो रो रहा था। मैंने कहा महिला इधर सुनिए, सच है वो कि एक मनुष्य था, परंतु वो एक मनुष्य से बढ़कर था, वो परमेश्वर मनुष्य था। परमेश्वर मसीह में होकर संसार को फिर से अपने लिए मिला रहा था। जी हाँ श्रीमान, वो पिता की इच्छा पूरी करने को आया। वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पर चला, उसने कभी भी दाहिने या बाएं नहीं देखा, उसने वही किया जो परमेश्वर ने करने को कहा, वो परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग था। और लाजर के पास जाते हुए वो रोया, जब वो रो रहा था तब वो एक मनुष्य था। परंतु जब वो कब्र के पास जाकर खड़ा हुआ, जहाँ पर 4 दिन से एक मनुष्य मरा हुआ पड़ा था और खाल के कीड़े अंदर से बाहर आ जा रहे थे और चारों ओर दुर्गंध थी, जब उसने कहा लाजर बाहर आ, एक व्यक्ति जो 4 दिन से मरा हुआ है अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर से जीवित हो गया, वो मनुष्य से बढ़कर था। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, वो मनुष्य था जो रो रहा था, परंतु पुनरुत्थान में वो परमेश्वर था। वो मनुष्य था जब वो उस रात के बाद पहाड़ पर से भूखा उतरा, चारों ओर देखा पेड़ों पर कि कुछ खाने को मिले, जब वो भूखा था तो वो एक मनुष्य था। परंतु जब उसने 5 रोटियां और छोटे टुकड़े मछली के लिए और 5,000 लोगों को खिलाया तो वो मनुष्य से बढ़कर था, वो परमेश्वर देह में था। हालेलुया। उस रात्रि जब वो नाव में लेटा था वो एक मनुष्य था, जब गुण उसके वस्त्र में से निकला, जब तक कि वो इतना दुर्बल था, जब तक कि सामर्थ भरा समुद्र गरज रहा था, समुद्र के 10,000 प्रेतों ने शपथ खाई कि वे इसे डुबा देंगे। उस रात्रि जब वो छोटी नाव बोतल की डांट के समान भयानक समुद्र में उछल रही थी, मैं जानता हूँ कि वो एक मनुष्य था जब वो वहाँ लेटा हुआ सो रहा था, परंतु जब उन्होंने कहा तू चिंता नहीं करता कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं, उसने अपना नाव की किनारी पर पांव रखा और कहा शांत और थम जा, और वहाँ एक शांति थी, वो एक मनुष्य से बढ़कर था। हालेलुया।
वो मेरा परमेश्वर था, हालेलुया, ठीक है, वो था, वास्तव में वो है। जब वो कलवरी पर लटका हुआ था, वो एक मनुष्य था, जब उन्होंने उसे महाश्रद्धांजलि दी, जो उन्होंने कभी नहीं दी, जब उन्होंने कहा इसने दूसरों को बचाया, ये स्वयं को नहीं बचा सका। कितनी शानदार श्रद्धांजलि या शुभकामना उन्होंने इसे दी। यदि इसने औरों को बचाया और स्वयं को, और वो औरों को नहीं बचा सका, इसलिए उसे औरों को बचाने के लिए स्वयं को देना था। जब वो अनुग्रह के लिए चिल्लाया, वो मनुष्य था। जब उसने कहा मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो एक मनुष्य के समान मरा। जी हाँ, परंतु जब वो ईश्वर की प्रातः जी उठा, उसने सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर था। कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्यवक्ता ने कहा, जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचाया, गढ़कर उसने मेरे पाप मुझसे दूर कर दिए, जी उठकर उसने मुझे सदा के लिए स्वतंत्र कर दिया, किसी दिन वो आ रहा है, ओ महिमा से भरा दिन। हालेलुया, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर चलें। मैं कुछ बुद्धिमान मनुष्यों को देख सकता हूँ, एक बार उसके जन्म पर जा रहे थे कि उसकी आराधना करें। मैं उन्हें तैयार होते हुए देख सकता हूँ, वे अपने ऊँटों को तैयार कर रहे हैं। मैं जिम जोन्स और बाकी सब और जॉन डो को देख सकता हूँ कि वे तैयार हो रहे हैं। मैं उन्हें देख सकता हूँ कि कार्डों की टेबल रख रहे हैं और वे सब चीजें रख रहे हैं और वे यीशु की आराधना करने जा रहे हैं। वे ढूंढ रहे हैं, जब वे वहाँ पहुँचे, निर्णय किया कि बूढ़े ऊँट चल नहीं सकते। आज कलीसिया के साथ यही मामला है, आपने इसके साथ संसार को बहुत मिला दिया है, ये आपको वापस घुमा देते हैं, ये ठीक बात है। मैं उन्हें इस प्रकार से आरंभ होते हुए देख सकता हूँ और वे सब वे पहाड़ की एक ओर पहुँचते हैं, वे वहाँ से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि सीधा है वो मार्ग और सकरा है वो रास्ता, परंतु थोड़े ही उसे पाएंगे। जी हाँ श्रीमान, मैं बूढ़े व्यक्ति को तैयारी करते हुए देख सकता हूँ, वो स्वयं को हल्का कर रहा है, क्योंकि मैं स्वस्थ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। भाई, मैं स्वर्ग जाने की तैयारी में बांध नहीं रहा हूँ, मैं स्वर्ग जाने की तैयारी में खोल रहा हूँ। हालेलुया, जब स्वर्ग पर उठाया जाना है, हर चीज को काट कर खोल दो। बाइबल ने कहा, आओ हम हर बोझ को एक और उतार दें और पाप जो मुझे सरलता से बेचैन कर देता है, ताकि हम इस दौड़ को धैर्य से दौड़ सकें। मैं देख सकता हूँ कि बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, देखिए मैं उसकी पत्नी को आसपास देख सकता हूँ, कहे जॉन लड़के क्या मामला है, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं प्रभु की आराधना करने जा रहा हूँ। आप कैसे जानते हो कि आप जा रहे हैं? भाई मैं जा रहा हूँ।
अरे तुम्हारे पास तो दिशा सूचक भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सेवकाई का लाइसेंस भी नहीं है, संसार में तुम्हारे साथ क्या मामला है? क्या वो तुम्हें ग्रहण करेंगे? तुम प्रभु की आराधना करने जा रहे हो? हाँ, अपना दिशा सूचक यंत्र ले लो। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है तो तुम वहाँ कैसे पहुँचने जा रहे हो? मैं उसे भोर के तारे की ओर संकेत करते देख सकता हूँ, कहता है मैं परमेश्वर के दिए गए मार्ग से जा रहा हूँ। आमीन। परमेश्वर ने बुद्धिमान व्यक्ति की अगुवाई के लिए सितारा दिया, उन्हें दिशा सूचक की आवश्यकता नहीं, उन्हें परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग की आवश्यकता है। वो सितारा महिमा हो। और वही परमेश्वर जो बुद्धिमान व्यक्ति को मसीह तक ले गया सितारे के द्वारा, वो यहाँ आज रात्रि पवित्र आत्मा के रूप में है कि आपको मसीह तक ले जाए। नया जन्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कि परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है। जब तक मनुष्य जल से और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। पुरुषों और महिलाओं, क्या तुमने इसे पाया? मेरा समय पूरा हुआ, ओ प्रभु, मुझे उसमें भीतर जाना है, प्रतीत हो रहा है। मेरे हाथ नीचे पेंटों की जेब में डाल दो और उत्तेजित बूढ़े प्रचारक के समान प्रचार करने दो, क्यों? मैं इसे पसंद करता हूँ। लड़के, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? परंतु तुम्हें कुछ नमकीन सुअर का मांस और सेम अपने पास रखना होगा। हमारे कुछ खाने के लिए आप मसाला लगाएं, हमें इसी की आवश्यकता है, क्या विश्वास नहीं करते? सत्य है, परमेश्वर के पास देने का मार्ग है, क्या आप आज रात्रि इसमें हैं? क्या जब से आपने विश्वास किया है पवित्र आत्मा पाया? अब आप मेरे बैप्टिस्ट मित्रों और जानते हैं कि मैं संबंधित हूँ, मैं बैप्टिस्ट था और यहाँ मेरा पास्टर बैप्टिस्ट है, परंतु मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेरित 19 कहता है, क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? न कि जब आपने विश्वास किया, परंतु जब से। जी हाँ श्रीमान, यदि आपने नहीं पाया तो आज रात्रि ये आपके लिए है, परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग। भाई बहन, अपने तरह से प्रयत्न न करें। अंजीर के पत्तों में न जाएं, लट्ठों पर होकर न तैरें, जैसे कि उन्होंने यत्न किया उस बाढ़ के विनाश में। आदम ने जैसे किया, अंजीर के पत्ते ना पहने। नबूकदनेस्सर वाले मार्ग से यत्न ना करें कि परमेश्वर की कलीसिया को कष्ट दें। उन सारे विभिन्न मार्गों से होकर यत्न ना करें, ये रूप और मार्ग जो कि बहुत सो को हम उल्लेख कर सकते हैं। फरीसियों ने जैसा किया वैसा ना करें। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति कहा, अब यहाँ देखें, हम ऊंचे स्थानों में हैं, यदि कुछ घटित हो रहा हो तो हम उसके विषय में सब जान जाएंगे। और परमेश्वर वहाँ पहुँच गया और बैतलहम की चरनी में जन्मा, उसे नीचे संसार में ले गया और संसार से फांसी की सजा, और वे इस विषय में कुछ नहीं जान पाए।
ठीक है, परमेश्वर का दिया गया मार्ग। ओ एक बार एक महिला थी, उसने जितने उसके पास पैसे थे खर्च कर दिए। हालेलुया। डॉक्टर उसकी कोई भलाई ना कर सके और एक दिन वो बेहोश होने को थी। उसे बहुत वर्षों से लहू बहने का रोग था। और एक दिन उसने नाव में कुछ शोर सुना, उसने बाहर देखा तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया मार्ग आया था। ये ओ प्रभु, मैं उसे बैप्टिस्ट के विशेष ऊंचे लोगों के पास आते देख सकता हूँ। आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, वो सीधी उनकी टांगों के बीच में से घुसती है, उन्हें हटना था। मैं उसे ब्रिंगम यंग के पास आते देखता हूँ और उसकी सारी पत्नियाँ वो पास से होकर निकल गईं। उसने क्या कहा? मैं उन्हें कहते हुए सुनता हूँ, वहीं रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वो डॉक्टर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें वहाँ बहते हुए लहू के साथ देखता हूँ। उसने कहा, मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर जा रही हूँ। ये कहाँ पर है? तुम्हारा अर्थ वहाँ उस ढोंगी से तो नहीं? वहीं जहाँ पर ये है, मैं वहीं जा रही हूँ। वो जब तक किस व्यक्ति तक वहाँ नहीं पहुँची, वो चारों ओर से दब गई थी। वो इस प्रकार की कलीसिया से संबंधित है, ये और वो, और उन्होंने उसे वापस धक्का देने का यत्न किया, परंतु उसने अपना मार्ग यीशु तक बना लिया। उनमें से कुछ ने कहा, बहन जरा एक मिनट रुको, यदि आप मांस खाती हैं तो आप ये नहीं कर सकती। वो तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पर जा रही थी। यदि आपने सर्प नहीं लिया तो आप इसे नहीं कर सकती। वो परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर चली गई। वो यीशु के पास पहुंचना चाहती थी, ये ठीक बात है। मैं पुराने नियम के दाऊद के विषय में सोचता हूँ। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, जब उसने कहा वहाँ है, जहाँ उसने बात की, उसने कहा चखो और देखो कि प्रभु भला है, ये चट्टान के मधु के समान स्वादिष्ट है। एक पुरानी कहावत मैं प्रयोग करता हूँ, पुराने पवित्र वचन के विषय में सोच रहा हूँ। वे अपनी बगल में यहाँ से लेकर चला करते थे, शहद का एक छोटा सा थैला, पुराने चरवाहे करते थे। और बीमार को देते होंगे। भेड़ जब बीमार हो जाती तब वे अपने थैले में से शहद निकालते और चूने के पत्थर पर डालते और बीमार भेड़ को बुलाकर उस बीमार भेड़ को चट्टान को चाटने देते थे। जब वो चट्टान पर से शहद चाटती जाती तो वो चूने के पत्थर को भी चाटती, और आप जानते हैं कि क्या हुआ, बीमार भेड़ चंगी हो जाती है। भाई अब यहाँ देखें, मेरे पास आज रात्रि पूरा भरा हुआ थैला है, और मैं ये बैप्टिस्ट कलीसिया में रखने नहीं जा रहा हूँ, मेथोडिस्ट कलीसिया, प्रेस्बिटेरियन कलीसिया या पेंटेकोस्टल कलीसिया में। मैं इसे यीशु मसीह पर रखने जा रहा हूँ, जहाँ से ये संबंधित है, और आप बीमार भेड़ इसे चाटती जाएं और आप निश्चय ही इसमें से कुछ पाएंगे। हाँ श्रीमान।
उसे चाटते रहे उस बूढ़े व्यक्ति के समान जो गाड़ा गया, और उसे चाटे आप इसे पाएंगे। अपनी कलीसिया पर ध्यान ना दें कि वो क्या कहती है, मसीह पर ध्यान दें, उसका अनुकरण करें, क्योंकि उसमें वो कलीसिया है। मैं देखता हूँ परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। उसने कभी नहीं कहा कि मेथोडिस्ट दिया गया मार्ग है, ना ही उसने कहा कि बैप्टिस्ट या कोई और कलीसिया। उसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। आप कहते हैं मैं कैसे जानूं कि मैं उसमें हूँ? एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने उसकी देह में बपतिस्मा लिया, पहला कुरंथियों 12। ये ठीक बात है, परमेश्वर के अधीन हर चीज जो उसके राज्य में है हमारा है। वो केवल अपने पास चेकों की पूरी बड़ी किताब रखता है और अपने नाम का हस्ताक्षर नीचे करता है, कहता है पुत्र तुम ये रहे, कोई भी तुम्हारी आवश्यकता है जाओ ले जाओ। आमीन। उसे भरने से ना डरो, उसे भर कर और दे दो, कहो प्रभु तेरा धन्यवाद, हैलुलुया, ये घटित हो जाएगा। तुम जो भी चाहो, मरकुस 11:24, जब तुम प्रार्थना करो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिलेगा। चेक पर हस्ताक्षर करो, कहो प्रभु मुझे चंगाई की आवश्यकता है, उसे फाड़ो, कहो प्रभु मैं ये रहा, मैं यीशु के नाम में चंगाई मांगता हूँ। कहिए धन्यवाद प्रभु, और आगे बढ़ जाएं, चंगाई के लिए विश्वास करें, और ये ठीक वापस आता है जैसे वे कौए एलिया के पास खाना ले जा रहे थे, यही है वो। कहिए मुझे अपने प्राण के उद्धार की आवश्यकता है। आप क्या करेंगे, बस लिख कर और कहें, कहा तुम भारी बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु ये मेरे लिए है। चेक को भरो, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, प्रभु मुझे दे दो, ये यहाँ पर है, प्रभु आपका धन्यवाद, इसके साथ चले जाएं। पवित्र आत्मा चाहिए, जी हाँ श्रीमान। तुम यरूशलेम नगर में रुके रहो जब तक तुम ऊपर की सामर्थ से ना भर जाओ। इसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम में यहूदी और सामरिया और संसार के दूसरे छोर तक। आप इसका विश्वास करते हैं? चेक भरकर हस्ताक्षर करके ऊपर भेज दो, देखो क्या होता है, परमेश्वर इसे देगा। परमेश्वर के द्वारा दिया गया मार्ग, उसने आपको चेक की किताब दे दी है, आगे बढ़े और भर दे, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? निश्चय ही परमेश्वर के पास सदा पहले से एक तय मार्ग होता है। एक दिन यही नाम एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति था, वो उसने अपने आप को एक प्रकार से अविश्वासियों से जोड़ रखा था, जैसे कि सारे प्रचारकों का झुंड आज भी वे उन्हीं के साथ जुए में उसमें जुड़े हुए हैं। बाइबल ने कहा अपने आप को विश्वासियों के जुए में मत जोड़ो। ठीक है, पहली बात आप जानते हैं, आश्चर्य है, ये किसने कहा, आपने? अच्छा, बाइबल ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे प्रेत आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे,
नाशक वस्तु पी लेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। आप आज ये आदि कलीसियाओं में प्रचार करें, वे आपको दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। परमेश्वर के दिए गए मार्ग को नहीं जानते, परंतु उसने यही कहा है, यीशु ने यही कहा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? जी हाँ श्रीमान। तब यदि उसने ऐसा कहा है तो आमीन, मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये सत्य है और मैं उसके मार्ग में चलता हूँ जो उसने कहा करो, और वो इसकी पुष्टि चिन्हों और चमत्कारों के करने से करता है। ये ठीक बात है। इसलिए वही चीज करिए, सीधे उसी में जाएं। ये प्रत्येक के जो भी चाहे उसे भीतर आने दो। आओ, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको आना है, इसलिए सीधे इसमें आ जाओ। अधिक प्रतीक्षा ना करें, आज रात्रि से ले लें। मैं देखता हूँ कि इस बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को जोड़ लिया है। उसने यीशु से प्रेम किया, परंतु ये अब भी वैसा ही है, वो अपने सम्मान को खोना नहीं चाहता। आप आशीषों को जानते हैं। इसलिए वे बाहर निकल कर आए, वे आ गए। इसलिए प्रभु ने कहा, अब उसे छोटे बूढ़े व्यक्ति को वहाँ नीचे देखो, मैंने उसे अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराया है, और वहाँ वो अविश्वासियों के झुंड के साथ है। इसलिए मैं उसे जकड़ लूंगा। वो अपनी पुत्री को बीमार पड़ने देता है। उसने कहा, अच्छा मैं डॉक्टर डो को बुलवाऊंगी। डॉक्टर डो ने इधर देखा, उसने कहा, नाड़ी नीचे को जा रही है या इधर? बताता है हम क्या अच्छा करें, अच्छा हो कि हम ये वो करें। और उसने सारी की सारी दवाइयाँ दी और आधी आधी वो मरने वाली हो गई। तब उसने कहा, मैं यदि परमेश्वर का कोई दिया हुआ मार्ग है, ओ प्रभु, उस मनुष्य को जिसमें उसकी दिव्य चंगाई के विषय में बहुत ही आलोचना की थी या उसके विषय में सुना, और उसने कहा हाँ हाँ, यही क्या तुम नहीं सोचते कि वो ढोंगी है? पवित्र आत्मा ने कहा, नहीं वो ढोंगी नहीं है, आप उस पर विश्वास करते हैं। ओ हाँ ठीक है, ओ वो मेरा अनुमान है कि वो है। देखिए, किनारे पर चलने वाले प्रचारकों का यही ढंग होता है। ये ठीक बात है, बस डरते हैं। ओ परमेश्वर, उनमें से इच्छा करने की भावना निकाल दें और आप में स्थिरता दें। मुझे बड़ी रॉबिन्सन की गवाही अच्छी लगती है। उसने कहा, प्रभु मुझे स्थिरता प्रदान करें उस बड़े लट्ठे के समान। मेरे प्राण के अंतिम भाग में बहुत सारा शोर भर दें। और मुझे शैतान से लड़ने दें, और जब तक मेरा एक दांत बचे और जब तक मैं मरूं, उसे चिंगम के समान चबाता रहूं। मुझे ये अच्छा लगता है, ये ठीक बात है। उसने कहा, मेरे पास एक पुराना विशेष जाति का कुत्ता है, वो बूढ़ा होकर मरा। वो उस कुत्ते को लाई जब तक उसके अंतिम दांत था, और उन कुत्तों के मसूड़े चढ़वाए और चिल्लाए, मुझे ये पसंद है, हालेलुया। आप कहते हैं, भाई बरनम मेरे पास थोड़ी सी ही शिक्षा है,
मैं बहुत ही छोटा हूँ, प्रचारक मुझे भगा देंगे। हम थोड़ा सा पीछे कहानी में चलें। ये कुत्ते लड़ाई में कुत्ते का आकार का मामला नहीं, ये तो लड़ाई की प्रवृत्ति कुत्ते में कितनी है। आज यही बात है, यहाँ खड़े हो जाएं। मैं आपकी तुलना कुत्ते से नहीं कर रहा हूँ, परंतु वहाँ खड़े हो जैसे कि पुराने शासक ने एक दिन कहा, जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ कहा, शासक आप कैसे हैं? कहा, भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहा, मुझ में दो कुत्ते हैं, एक काला और एक सफेद। काला वाला मुझसे गलत करवाना चाहता है और सफेद वाला मुझसे सही करवाना चाहता है। बोला कि वे सदा लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैंने कहा, शासक कौन सा वाला जीतता है? कहा, निर्भर करता है कि शासक किसे अधिक भोजन खिलाता है। और ठीक भी है। जी हाँ श्रीमान, ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज रात्रि संसार को एक अच्छे पुराने झटके की आवश्यकता है। यहील ने कहा, अब एक मिनट रुकें, बेटी अधिक बीमार हो गई, उसे पाने के लिए केवल एक आशा है, वो थी कि यीशु के पास जाए। वे यीशु के पास चल पड़े, जबकि वो मार्ग ही में था, मैंने देखा, उसे वहाँ आते देखा, और वो स्त्री अपने लहू बहने के रोग से चंगी हो गई। यहाँ वो जा रहा है, उसने कहा, मेरी पुत्री अब वहाँ पड़ी है, मैं चिंता नहीं करता कि याजक क्या कहता है, कोई क्या कहता है, क्या आप आकर मेरी पुत्री पर हाथ रखेंगे? मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही परमेश्वर का दिया गया मार्ग है उसकी चंगाई के लिए, क्या आप आकर उस पर हाथ रखेंगे, वो चंगी हो जाएगी। कहा, मैं जाऊंगा। यहाँ उसने चलना आरंभ किया। पहली बात, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति उनके घर से ये कहता हुआ भागा, गुरु को कष्ट न दे क्योंकि वो मर चुकी है। ओ प्रभु, मैं उसके छोटे हृदय को देख सकता हूँ कि उसके अंदर इतनी जोर से धड़का। मैं उन प्रिय अनुग्रहकारी यीशु की आंखों को उसकी ओर घूमते हुए देख सकता हूँ, कहता है, क्या मैंने नहीं कहा, मत डर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वो परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है। अंधा बर्तुलमई नामक वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक दिन फाटक पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। ये अक्टूबर का ठंडा मौसम था। उसने सड़क पर एक शोर आते सुना, ये क्या है, क्यों? उसने कहा, ये नासरत का यीशु है। उसने कभी नहीं देखा था, उसने अपना कपड़ा उतारा, उसने उसे कभी भी नीचे नहीं रखा था और न ही तय किया था। आप जानते हैं कि वो अपने अंधेपन में मार खोज कर उसके पास वापस जाता है, वो अपना कपड़ा एक और फेंक देता है। परमेश्वर द्वारा दिया गया एक मार्ग था और वो उसके पीछे था। वो यहाँ भागा आया, कोई कुछ कहता है, बैठ जाओ बैठ जाओ, उसके पास समय नहीं है कि तुम्हारे साथ नष्ट करे। वो अधिक जोर से चिल्लाया, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। Mercy on me, I'll go to your dust, provide, wait for my eyes, I don't have mercy on me.
वो भीड़ में जोर लगा रहा था, मुझ पर दया कर, मैं जानता हूँ कि तू मेरी आंखों के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है, ओ प्रभु मुझ पर दया कर, ये ठीक बात है। एक दिन मैंने अंधे बर्तुलमई का इतिहास पढ़ा, एक छोटी कहानी। उन्होंने बताया कि वो वर्षों से अंधा था, उसके पास एक छोटी लड़की थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। एक रात्रि और वो वहाँ जाकर सड़क पर बैठ जाया करता था, उसके पास एक छोटा मेमना था। मेमने अंधे लोगों की अगुवाई किया करते थे जैसे आज कुत्ते करते हैं, कुत्ते अंधे व्यक्ति की अगुवाई करते हैं। उनके पास सिखाए हुए मेमने अंधों की अगुवाई के लिए थे। और तब एक ने कहा, एक दिन वो उसके पास दो छोटी छोटी पंडुकियाँ थी, वे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नाचती थी जो यरूशलम जा रहे होते थे या नगर में, और वे उसके कटोरे में सिक्का डालते थे। वो अंधा था। इस प्रकार से एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई, इसलिए वो प्रभु के पास गया। उसने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं अंधा व्यक्ति हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, यदि आप मुझ पर दया कर दें और मेरी पत्नी को जीवित रहने दें तो मैं कल अपनी पंडुकियों आपको बलिदान के लिए दे दूंगा। उस रात्रि प्रभु ने उसकी पत्नी को चंगा कर दिया। अगले दिन वो वापस याजक के पास गया और दोनों पंडुकियां बलिदान के लिए दे दी। तब उसके पास मेमने को छोड़ और कुछ न बचा। अधिक समय नहीं बीता, उसकी छोटी लड़की बीमार हो गई, डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसने कहा, प्रभु मेरे पास बस अब एक चीज बची है, और कहा वो मेमना है, परंतु यदि आप मेरी छोटी लड़की को जीवित रहने दें जिसे मैंने कभी नहीं देखा, यदि आप उसे चंगा कर दें तो फिर मैं आपको अपना मेमना बलिदान के लिए दे दूंगा। तब प्रभु ने उसकी छोटी पुत्री को चंगा कर दिया। उसके कुछ दिनों के पश्चात वो सड़क पर जाने लगा, मेमना उसकी अगुवाई कर रहा था। कैफा और महायाजक उसके पास आकर कहने लगे, अंधे बर्तिमाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं जाता हूँ ओ महायाजक, मैं मंदिर को जाता हूँ, मेमना मुझे मंदिर ले जा रहा है कि मैं मेमने को बलिदान के लिए दे दूँ। ओ उसने कहा, तुम ये नहीं कर सकते। कहा, हाँ बर्तिमाई। कहा, मैं तुम्हें मेमने का दाम देता हूँ, जाकर एक खरीद लो। उसने कहा, मैंने प्रतिज्ञा में परमेश्वर से किसी मेमने के लिए नहीं कहा, मैंने इस मेमने के लिए वचन दिया है, इस मेमने के लिए। कहा, अंधे बर्तिमाई, तू इस मेमने को नहीं ले जा सकता, ये मेमना तेरी आँख है, तू इस मेमने के बिना नहीं देख सकता, ये मेमना तेरी अगुवाई करता है, ये तेरी आँखें हैं, अंधे बर्तिमाई
तू इस मेमने को नहीं चढ़ा सकता। कहा कि बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा कांप कर बोला, ओ महायाजक, परमेश्वर अंधे बर्तमेय की आंखों के लिए मेमना देगा। परमेश्वर उसके हृदय को आशीषित करे। जब उसने वो आते हुए सुना कि परमेश्वर ने एक मेमना दिया है, वो वहाँ पर है। आज रात्रि वो परमेश्वर द्वारा दिया गया मेमना है। वो हमारी आँखों के लिए दिया गया मेमना है, आत्मिक आँखों के लिए। वो आपके प्राण के लिए दिया गया मेमना है। वो नरक से बच निकलने के लिए दिया गया मेमना है। वो स्वर्ग में आपकी महिमा के लिए दिया गया मेमना है। क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे जबकि हम प्रार्थना करते हैं, जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं? ओ प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले, अनंत जीवन के लेखक और हर एक अच्छे वरदान के देने वाले, इन लोगों पर अपनी आशीष भेज। ये बेचारे लोग, इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है और तैयार हो गए हैं प्रभु, परंतु मैं ये जानता हूँ कि आपने एक मार्ग दिया है। आपने कहा जैसे कि ये नूह के दिनों में था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। एक तैयारी का समय, एक समय जब एक स्थान उनके लिए तैयार किया गया है जो क्रोध से बचना चाहते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो कि अब इस समय वो परमेश्वर का मेमना जो अंधे व्यक्ति की आंखों के लिए दिया गया था, या उस महिला को जिसे लहू बहने का रोग था, जिसने लहू रोक दिया, मेमना जो मृत लाजर के लिए दिया गया था, परमेश्वर अनुग्रह करें। जब मैं इस विषय में सोचता हूँ कि वही मेमना एक दिन मेरी अंधी आँखों के लिए दिया गया, जब माँ और बंधुओं ने 3 वर्ष पहले मुझे बताया कि मेरी फिर चंगा होने की कोई आशा नहीं, तो परमेश्वर ने मेमने की व्यवस्था की। जब आपने अपना स्वर्गदूत वहाँ ग्रीन मिल पर भेजा और कहा जाकर ये करो, मैं इस महान संसार में अनिश्वरवादी और अविश्वासियों के सामने कैसे कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने मेमने की व्यवस्था की। परमेश्वर प्रभु, यहाँ मेरी छोटी सी कलीसिया है जैसे कि मैं इसे देखता हूँ। और मैं हजारों मील समुद्र पार की सोचता हूँ और जमे हुए मैदानों और हिमखंड। कैसे मैं वहाँ बहुत सी बार अकेले स्थान में बैठा प्रार्थना की, समयों के विषय में सोचता हूँ कि जब वे यहाँ आकर मुझसे हाथ मिलाएंगे। पुरानी लकड़ी का बुरादा फर्श पर बिखरा हुआ है, जब हवा चली तो खिड़कियां हिल रही हैं। मैं अपनी प्रिय पत्नी को लाने की सोचता हूँ और क्रूस के चरणों के पास रख रहा हूँ, उसके अंतिम संस्कार पर प्रचार कर रहा हूँ।
प्रभु, मैं अपने छोटे बालक को स्मरण करता हूँ जिसे उसके बाहों में रखा। मैं बेचारे छोटे बिली पॉल को स्मरण करता हूँ जिसे आपने कुछ घंटों पहले पवित्र आत्मा से भरा है, वहाँ उसकी कब्र पर आ रहा है, वहाँ उस प्रातः की उस पर ईस्टर के फूलों को रखे और उसने रोना आरंभ कर दिया। मैंने उस छोटे लड़के के गले में बाहें डाल दी और कहा, परमेश्वर ने एक मेमना दिया है, एक पाप बलि। किसी दिन ये छोटी कब्र खुलेगी, माँ बाहर आएगी और ऐसे ही छोटी बहन परमेश्वर ने मेमने की व्यवस्था की है। इन्हीं किन्हीं दिनों में जब मेरा अंतिम उपदेश प्रचार कर दिया जाएगा, मुझे उस कमरे में रखा जा सकता है और मैं अनुभव करूंगा कि मेरी बाहों में नाड़ी आ रही है, ठंडी मृत्यु की बड़ी लहर मेरे कमरे में तैर रही है। जैसे ही खिड़की खुलती है, पर्दा उड़ता है। जीवन की नाव को धक्का दिया, तब प्रभु मेरी अंतिम सवारी को ले लेगा। मैं बस चादर फैला दूंगा, ढक्कन बंद हो जाएगा और चादर मुझे ढांक रही होगी। मैं मृत्यु की घाटी की छाया में से होकर निकल जाना चाहता हूँ। मैं यर्दन पार आना चाहता हूँ, मेरे मार्ग को खोल दो, और चिल्लाता हूँ, यर्दन मार्ग छोड़ दे, पार जा रहा हूँ। प्रभु, तब मेरे द्वारा जीवन की नाव को धक्का दें, मुझे स्वीकार करें। प्रभु, क्या आप करेंगे? केवल मैं ही नहीं, परंतु यहाँ प्रत्येक जो उपस्थित है उस समय ग्रहण किया जाए। क्या प्रभु आप करेंगे? इसे प्रदान करें। तब से हम में से बहुत से पार हो गए होंगे और वापस स्वर्ग लोक को जाते हैं और तब जीवित रहने को। पिता, यदि आज रात्रि कोई पुरुष या स्त्री जो आपको न जानते हो, इसके मूल्य के विषय में न जानते हो, कभी भी नया जन्म ना पाया हो, कभी भी परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित मार्ग ना पाया हो, होने पाए कि वे अभी इसे पा लें, जैसा कि हम यीशु मसीह के नाम में होकर प्रार्थना करते हैं। मेरे पापी मित्रों, अपने झुके हुए सिरों के साथ परमेश्वर आपके हृदयों को आशीषित करे। बहुत से जो बाहर या अंदर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, क्या आपने कभी परमेश्वर वाला मार्ग स्वीकार किया है? परमेश्वर द्वारा आपके लिए दिया गया मार्ग, आप इसकी दक्षता के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर ने ये आपके लिए व्यवस्थित किया है, क्या आप इसे लेने के लिए नहीं आएंगे? क्या आज रात्रि आप नहीं आएंगे?
यदि कोई पापी मित्र यहाँ पर हो, अपना हाथ उठाकर कहे, भाई ब्रणम मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गया मेमना अपने जीवन में चाहता हूँ, यहाँ सामने वेदी पर हमारे पास वेदी की बुलाहट के लिए स्थान नहीं है, स्थान नहीं है, इसलिए आपसे हाथ उठाने के लिए कहा है, क्या आप ये करेंगे? एक पापी श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे और बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको और आपको आशीष दे। वहाँ पीछे फिर कोई और पीछे है, अब यहाँ मेरे सीधे हाथ की ओर, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई और अपना हाथ उठाकर कहता है, मुझे स्मरण रखें। ओ परमेश्वर, आज रात्रि मुझ पर अनुग्रह करें, आपके मेमने का जीवन। बहन परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं आपको यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, बाहर कोई चलकर और अपने हाथों को पर्दे पर रखे और कहे, भाई बहन मुझे स्मरण रखे, मैं परमेश्वर के द्वारा दिया गया मार्ग चाहता हूँ।